नमस्कार, दर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में आज जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 की हो रही है और इस परीक्षा को लेकर झारखंड सरकार ने अपने तरफ से एहतियात बरतने की कोशिश की है, जिसमें इंटरनेट सेवा बाधित की गई है। 2 दिन तक इंटरनेट सेवा पूरे झारखंड में बाधित रहेगी। इसको लेकर क्या कुछ असर पड़ रहा है और क्या कुछ और होना चाहिए, मामला हाईकोर्ट में भी पहुंच गया है, हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, शशांक राज जी हैं, हम उनसे सीधे जानने की कोशिश करते हैं। शशांक जी, झारखंड सरकार ने ये जो कदम उठाया है इंटरनेट सेवा बंद करने का, बाधित करने का, इससे कितना असर पड़ रहा है और क्या कुछ होना चाहिए? जेएसएससी सीजीएल परीक्षा आयोजित कराने के लिए झारखंड सरकार ने जिस प्रकार से हड़बड़ाहट पूरे प्रदेश में दिखाया है, इंटरनेट सेवा बंद करके हजारों इस प्रदेश की जनता को डिस्टर्ब करने का उन्होंने काम किया है। आज लोगों का काम बाधित हुआ है। सुबह से रेलवे का किसी को टिकट कटाना था, किसी को ओला कैब करना था, जोमेटो वाले डिलीवरी वाले लोग, ऐसे अन्य सरकारी काम में कोई बिजली का बिल भरने गया, सारे लोग आज पूरा पब्लिक जनता त्रस्त है और सरकार मस्त है। सरकार ऐसे हड़बड़ाहट दिखा रही है चूंकि चुनाव का सामने है और सरकार अपने कॉलर पर स्टार डालने के लिए पूरे प्रदेश की जनता को तंग करने का ठेका ले लिया है। इस प्रकार से जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन सीजीएल की परीक्षा इंटरनेट सेवा बंद करके आप बताइए कि ना ऑनलाइन एग्जाम ना कुछ है, लेकिन ये लोग केवल इंटरनेट सेवा इसलिए बंद कर दिए हैं कि जो अलग अलग सेंटर पे कहीं कदाचार होता है, कहीं कोई आंदोलन होता है, वो आंदोलन कहीं बड़ा रूप ना ले सके, इसके लिए इन लोगों ने इंटरनेट सेवा बंद करने का काम किया है। आप ऑफलाइन एग्जाम में इंटरनेट क्यों बंद कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इसका जवाब देना चाहिए। तो वही बात हो गई कि मुख्यमंत्री जी अंधेरे कमरे में बोला गया कि मुख्यमंत्री जी बल्ब जलाइए, तो मुख्यमंत्री जी बल्ब फोड़ दिए, स्विच नहीं मिला। तो मुख्यमंत्री जी काम करने का नहीं पता कि कैसे काम करेंगे, और आखिर ऐसा सलाहकार मुख्यमंत्री जी को किसने दिया है, इसका भी जवाब मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए कि आज पूरे राज्य के 3.5 करोड़ लोग अस्त व्यस्त हो चुके हैं, उनके सुबह से उनके दैनिक जो कार्य होता है उसमें बाधा आई है, इसका जवाब मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए कि आखिर ऐसा सलाह मुख्यमंत्री जी को किसने दिया है चुनाव के समय। हम तो एक ही चीज कहें कि ऐसी हड़बड़ाहट क्यों दिखा रहे हो, जनता को बेवकूफ बना रहे हो। इसलिए मुख्यमंत्री जी आप स्टूडेंट का एग्जाम लीजिए, और आपके ऑन कैमरा में मैं आता दे रहा हूँ, ये चुनाव के पहले तक ये लोग इस जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट पब्लिश नहीं कर पाएगी ये सरकार, केवल और केवल छात्रों को बेवकूफ बनाने का सरकार काम कर रही है। झारखंड सरकार जिस तरह से आनन फानन में ये नियम लगाई है कि इंटरनेट सेवा बाधित रखेंगे जिससे परीक्षा कदाचार मुक्त होगा, लेकिन उसके बैकडोर की कहानी भी कुछ और होती है। जैसे पहले भी जेपीएससी की परीक्षा हो चुकी है, उस टाइम इंटरनेट का यूज तो नहीं होता था, लेकिन उसके बैकडोर की कहानी कुछ और हुआ करती थी। इस परीक्षा में क्या कुछ ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, जिस प्रकार से कल पलामू में ही 90-95 लाख रुपया बरामद हुआ है होटल से, कई तरह के रैकेट सक्रिय हैं इस प्रदेश में जो इस पूरे लगातार युवाओं के सपने को बेचने का काम करते हैं, तो सरकार वैसे लोगों से किस प्रकार से निपट पाएगी? और जो कि ये मामला अभी कोर्ट भी चला गया है कि आखिर आप इंटरनेट सेवा कैसे बंद कर दिए हैं, इसका जवाब सरकार से मांगा गया है झारखंड सरकार से। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा मामला पूरी तरह से एजेंडा एक ही है कि पूरे पहले स्टूडेंट को त्रस्त था, अब जनता को किस प्रकार से पूरे राज्य में त्रस्त करना है, मुख्यमंत्री जी का एक ही एजेंडा है। उनको उनके सलाहकार की दिक्कत है कि मुख्यमंत्री जी को ऐसा सलाह कौन दे रहा है कि आखिर ऑफलाइन एग्जाम लेने के लिए आप पूरे प्रदेश का इंटरनेट बंद कर दिए। तो मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लें, और पूरे प्रदेश की जनता क्योंकि सुबह से कई काम बाधित हो चुका है, उसका जवाब भी मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। छात्रों के हित के लिए और क्या कुछ होना चाहिए? अगर मान लीजिए इंटरनेट सेवा बंद नहीं करते हैं तो फिर और कोई दूसरा रास्ता और क्या होना चाहिए कि जिससे कदाचार मुक्त परीक्षा हो? देखिए, एक ऑनलाइन एग्जाम ही नहीं था, ये एग्जाम ही ऑफलाइन, और कई ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां कोई व्यवस्था नहीं है। आप गांव-गांव जब हम जाएंगे तो वहां कई ऐसे स्कूल में सेंटर बना दिए गए हैं जहां ये परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं ली जा सकती क्योंकि वहां व्यवस्था ही नहीं है। लेकिन सरकार इस प्रकार से चूंकि हड़बड़ाहट है, चुनाव का दौर है, सरकार को क्रेडिट लेना है स्टूडेंट का, चूंकि ये जेएसएससी सीजीएल का पहले भी परीक्षा पेपर लीक हो चुका है इस राज्य में, तो आखिर सरकार के ऊपर दबाव ना बने, लगातार आंदोलन चूंकि हो रहा है, स्टूडेंट आंदोलन कर करके बार बार ये कैलेंडर पे कैलेंडर वाला खेल भी खेले हैं, तब जाके ये जेएसएससी सीजीएल का अंतिम में आज परीक्षा हो रहा है। तो पूरी तरह से पूरे प्रदेश में आप जब जाएंगे गाँव गाँव में सेंटर पे तो किस प्रकार से अव्यवस्था है इसको देखने को मिलेगा।
लेकिन सरकार के लोग क्योंकि चुनाव है इसलिए हड़बड़ाहट दिखा रहे हैं कि अपने कॉलर पे स्टार किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी लगा पाए कि हमने चुनाव के पहले परीक्षा ले लिया, इसका बस हड़बड़ाहट है, इसी हड़बड़ाहट में सरकार दिख रही है। आखिरी सवाल शशांक जी की, सत्ता पक्ष लगातार कह रही है कि जिस तरह से बिहार की बात कर लें, यूपी की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, लगातार वहां भी परीक्षा पेपर लीक होता रहा है, लेकिन झारखंड ने ये पहला कदम उठाया कि इंटरनेट सेवा बंद करके आज कदाचार मुक्त परीक्षा ले रही है। कदाचार मुक्त कर लें तो मुख्यमंत्री जी के लिए भाई सोने पे सुहागा होगा, लेकिन आप ऑफलाइन एग्जाम में, चूंकि ये इंटरनेट बेस्ड एग्जाम नहीं है, ये ऑफलाइन एग्जाम में आखिर आप क्यों इंटरनेट बंद कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और वो भी रात में आप नोटिफिकेशन करते हैं, गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और सुबह इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। कई लोग को, पब्लिक को जानकारी नहीं है कि कल हमारा इंटरनेट बंद रहने वाला है, क्योंकि पब्लिक पहले से प्रिपेयर्ड रहेगी, उनका दैनिक कार्य दिन भर आज के समय इंटरनेट लोगों को जरूरी है। कई लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, यहाँ से बैठ के जॉब करते हैं, कई लोग रेलवे का टिकट कटाने के लिए सुबह से दौड़ रहे हैं, उनको रेलवे का टिकट नहीं कट पाया है, कई लोग बिजली बिल जमा करने गए थे, उनको वापस वहां से आना पड़ा है। तो आखिर पब्लिक को परेशान करने का पूरा ठीका झारखंड सरकार ने, हेमंत सोरेन जी की सरकार ने ले लिया है। हमको पब्लिक को कैसे परेशान करना है, बस इसी का एकमात्र उपाय सरकार के पास है। स्टूडेंट को लेकर हित में सोचने वाली है सरकार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशांक राज जी, जो साफ तौर पे कह रहे थे कि झारखंड सरकार ये जो फैसला ली है वो आनंद फानन में ली है, इससे छात्रों का भलाई नहीं होना है, उल्टे जो झारखंड की 3.5 करोड़ जनता है इस इंटरनेट बाधित होने की वजह से मार झेल रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।